हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता शाह। सुनीता किचन्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही पुलाव रेसिपी। इसके लिए मैंने बासमती चावल लिए, इन्हें धो के मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और 15 मिनट पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ था। दो प्याज लिए हैं कटे हुए। मसालों में सूखा मसाला लिया है मैंने, काली मिर्च, तेज पत्ता, एक चम्मच जीरा लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, नींबू का रस लिया है, ग्रेप्स लिए हैं, काजू, मटर, अनार के दाने। आइए बनाना शुरू करते हैं शाही पुलाव रेसिपी। सबसे पहले कढ़ाई में हमने तेल गरम होने रख दिया है। तेल गरम हो गया, इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, सूखा मसाला, हरी मिर्च, प्याज, सेक लीजिए इन्हें अच्छे से। प्याज हमारा अच्छे से सिक गया है, इसमें हम मटर के दाने और एक काजू डाल देंगे। इन्हें भी आप अच्छे से 1-2 मिनट सेक लीजिए। मटर को हमने भून लिया है अच्छे से, इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल के साथ हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं, स्वाद अनुसार ही डालें आप नमक। मिला लीजिए, एक दो मिनट अच्छे तरीके से आप इन्हें सेक लीजिए। गैस को थोड़ा मंदा कर लीजिए। चावल अच्छे से सिक गए हैं, इसमें पानी बिल्कुल सूख गया है। ये हमने 1 कटोरी चावल लिए थे, इसका डबल हम 2 कटोरी इसमें पानी ऐड कर देंगे। और इसमें उबाल आने देंगे हम। मिला लीजिए अच्छी तरीके से सभी को। उबाल आने के बाद हम गैस मंदा करेंगे। चावलों में उबाल आ गया है, इसमें नींबू का रस ऐड कर देते हैं। मिला दीजिए। गैस को हम मंदा करके कवर कर देंगे। बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे। पुलाव हम चेक कर लेते हैं। पुलाव हमारे बनकर रेडी हैं। गैस बंद कर दीजिए और इसे 15 मिनट ऐसे ही हम कवर करके छोड़ देते हैं। 15 मिनट बाद हम इन्हें निकालेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हम पुलाव चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल खिला खिला पुलाव बना है हमारा, एक एक दाना है। अब इसमें हम अनार के दाने, ग्रेप्स मिला लीजिए अच्छे तरीके से। शाही पुलाव बनकर रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। आप मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।